सो टुडे आई एम गोइंग टू डाइसो. तो आज का वीडियो होने वाला है, मैं डाइसो आप लोग घुमाऊंगी. अगर आपको पता नहीं है कि डाइसो क्या है, मतलब डाइसो के बारे में, डाइसो इज द चीपेस्ट शॉप इन कोरिया. आप अगर कभी भी आओ कोरिया में, यू शुड फर्स्ट गो टू डाइसो. वहाँ पे जो भी आपकी ज़रूरत के सामान मिलता है वहीं से ख़रीदो, कहीं और से नहीं, बिकॉज उससे ज़्यादा चीप और कहीं नहीं मिलता है. सो मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ. आई थिंक आई विल ब्लॉग फॉर टू डेज़ और दोनों दिन का एक साथ मिला दूँगी, बिकॉज ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज का दिन का जो ब्लॉग होगा. मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, जो लिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगी. मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया है जाने से पहले. और यहाँ पे मेरे पड़ोस की बिल्ली बहुत ज़्यादा अभी इसको प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा म्याऊँ म्याऊँ कर रही है. लेट मी शो यू, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा. सारा दिन इसको म्याऊँ म्याऊँ करना है और टूना खाना है. मैंने इसको दूध दिया तो उसे दूध नहीं पीना, बिल्कुल मेरे ऊपर गई है बिल्ली तो. आई ऑल्सो डोंट लाइक मिल्क. मैंने आज तक कभी मिल्क नहीं पिया है, मतलब अच्छे मन से नहीं पिया है. क्विक 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 क्विक. बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी धूप आई है और इसको देखो 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 देखो. क्या चाहिए क्या चाहिए? एरिके, कम हियर बेबी, कम हियर. ट्विटी ट्विटी, कम हियर. आई ओके बाय. कोई भी नहीं है रोड पे. कितना मज़ा आता है ना जब कोई नहीं होता है. शायद मुझे ही सिर्फ मज़ा आता है, बिकॉज मैं किसी के सामने इतना ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ कंफर्टेबली. सो अभी जनवरी का मंथ चल रहा है एंड स्टिल द क्रिसमस ट्री इज हियर. इट लुक्स ब्यूटिफुल ड्यूरिंग द नाइट टाइम. जैसे ही डार्क हो जाएगा सारी लाइट्स ऑन हो जाते हैं. इट लुक्स ब्यूटिफुल. इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू शॉप इन डाइसो. इतनी प्रिटी चीज़ है कि मुझे लगता है सब कुछ ले लूँ, बट नाउ आई नीड टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स एंड लेट्स गो टू आवर टारगेट प्लेस. जो भी मेरी लिस्ट में है मुझे वो सारी चीज़ें लेनी है. सो लेट्स गो. मुझे एक वेजिटेबल पीलर चाहिए एंड ये लोग मुझे 100 ऑप्शंस दे के ना बस कन्फ्यूज कर रहे हैं. अब तो मैं सोच रही हूँ कौन से कलर का लूँ, क्या लूँ, जबकि बस एक ही काम होता है. इतने सारे पैंट एंड मुझे हमेशा से ही ये छोटू वाला पैंट खरीदने का कितना मन था, बट करना क्या है इसमें, आई डोंट नो. ये मैंने खरीदा था रामेन बनाने के लिए, बट मैं बनाती हूँ चाय, बस ओनली एंड ओनली चाय. आई लाइक दिस वुडन ट्रे, आई मे टेक दिस वन, बट आई हैव अदर ऑप्शंस टू. प्लास्टिक वंस आर रियली चीप. व्हाई डाइसो हैव सच क्यूट थिंग्स? लुक एट दिस कॉइन पर्स, इतना क्यूट, सॉफ्ट. And slippers, cute na? सब लेने का मन करता है, बट हम इग्नोर करने वाले हैं आज ये सब. Ta-da! I am presenting you my favorite section in Daiso, that is the accessories section. यहाँ पे सबसे cheapest accessories मिलता है कोरिया में. बाहर यही similar चीज़ें double, triple और even यहाँ पे जो 1000 में मिलता है वो 10000 में मिलता है बाहर. So I always buy accessories. स्पेशली हेयर एक्सेसरीज हेयर. यहाँ पे 60-100 रुपीज में फेक नेल्स और स्टिकर वाले नेल पॉलिश मिलते हैं, काफी अच्छा है. सो डन विद द शॉपिंग. बहुत भारी है और अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. आई मे गो फॉर अ कॉफ़ी, अकेले अकेले कॉफ़ी डेट. सो लेट्स गो. ऑल्सो मुझे कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खरीदने थे, ब्यूटी नहीं, कॉस्मेटिक्स लाइक आईलाइनर एंड मस्कारा. लेट्स सी, अगर मन करे तो वो भी खरीद लेंगे. लेट्स गो. सो आई एम इन माय फेवरेट कॉफ़ी शॉप. ये एकदम प्यारा सा छोटा सा कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पे हर कॉफ़ी शॉप में ये देते हैं. जब ये बज़र लाइक बज़ करेगा आई नीड टू गो एंड कलेक्ट माई ऑर्डर. सो
वेटिंग फॉर माय कॉफी. इतना बड़ा हील पहन के मेरा हालत खराब हो गया. सो मैं अभी जूते उतार के आराम से बैठ के आई एम गोइंग टू हैव माय कॉफी. हियर इज माय कॉफी. इट लुक्स ब्यूटीफुल. एकदम ही फुल ऑफ कैलोरी. हेलो यू ऑल. तो मैं कॉफ़ी शॉप से आके आई टुक अ नैप एंड मैं भूल गई थी कि मुझे दिखाना है आप लोगों को मैं क्या क्या लाई हूँ. फिर मुझे याद आया कि आप सब वेट कर रहे होंगे कि मैंने क्या क्या लिया इतना जो शॉपिंग किया हो. सो आई शुड शो यू गाइस कि मैंने क्या क्या लिया. लेट्स गेट इनटू इट. इट्स नॉट इंटरेस्टिंग. ये बिल्कुल भी एकदम जो भी घर की काम की चीज़ें हैं एडल्टिंग यू नो एडल्टिंग. जब आप लोग यहाँ पे आओगे अकेले रहने लगोगे यू विल नो कि कितना ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें लगती है. डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लगती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये लिया. ये वो किचन ग्लव है. तो आई हैव अ ओवन और मैं बहुत ज़्यादा ओवन यूज़ करती हूँ. आई रोस्ट स्वीट पोटैटो जो कि कोरियंस बहुत ज़्यादा खाते हैं. मुझे कोई आइडिया ही नहीं था मतलब इंडिया में रह के कि स्वीट पोटैटो रोस्ट करके लोग खा सकते हैं. तो जब मेरे पास कुछ फूड अवेलेबल नहीं होता है लाइक आई हैवन कुक्ड और मुझे बाहर जाके खाने का मन नहीं करता है तो मैं फटाफट स्वीट पोटैटो रोस्ट कर लेती हूँ ओवन में एंड इट टेस्ट्स रियली गुड एक्चुअली. देन ये भी किचन साफ करने के नैपकिन्स है. ये भी 1001 का है. सब किचन का सामान है. सो दिस इज़ अ पिलर. आई डोंट नो हाउ आई लॉस्ट माई पिलर. मेरे किचन से गायब हो गया. दिस इज द ट्रे आई बॉट क्योंकि मेरा जो ट्रे है वो मेरे हाथ से गिर के टूट गया. एंड ये वुडन है. काफ़ी अच्छा है. बहुत अच्छा क्वालिटी है. देन आई बॉट अ पैक ऑफ स्नैक्स. ये शायद बटर एंड हनी फ्लेवर है. मैंने कभी खाया नहीं ये वाला. देन आई बॉट हुक्स बिकॉज मुझे चाहिए था वो जो लाइट्स है वो मैं अच्छे से लगाना चाहती हूँ मेरे रूम में. सो आई नीडेड दिस. एंड देन फिर से किचन का सामान. ये भी ओवन के लिए लिया है मैंने स्वीट पोटैटो उठाने के लिए. एंड देन आई गॉट दिस. आई थिंक चारकोल है इसमें तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. दिस इज अ मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट. पता नहीं कितना काम करेगा. एंड देन आई हैव कॉटन पैड्स. ये भी मैंने डाइसो से ले लिया बिकॉज सब कुछ सस्ता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर 64 rupees एंड इसमें 100 कॉटन पैड्स है. तो ये इससे आप मेकअप रिमूव कर सकते हो, नेल पॉलिश रिमूव कर सकते हो. बहुत ही लाइक कन्वीनियंट है. एंड देन द लास्ट थिंग एंड माई फेवरेट थिंग एक्चुअली आई गॉट दिस बो. इट्स रियली प्रिटी. मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. कीप वॉचिंग माई वीडियो क्योंकि वीडियो अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सी यू टुमारो. सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आई विजिटेड ब्लिस रोल कैफे. दिस इज अ ब्यूटिफुल कैफे. आई थिंक आप लोगों में से कहीं को पता होगा इस कैफे के बारे में बिकॉज देर इज वन फेमस यूट्यूबर कॉल जोई एंड वो इस कैफे का बहुत कुछ डालती है बिकॉज शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ ब्लेस्ट्रोल कैफे. और वो कैफे सोल में है एंड बट दिस वन इज इन ग्वांगजू एंड एक चेन है हर जगह पे है. नॉट ओनली दिस कैफे इज ब्यूटिफुल. लुक एट द केक्स द पेस्ट्रीज. सो कलरफुल सो इनोवेटिव और इतने क्यूट. मुझे तो खाने के से ज़्यादा लग रहा है कि मैं सब खरीद लूँ. ऐसे ही खरीद लूँ बस खरीद लूँ. सो क्यूट बट सो एक्सपेंसिव. सो मैंने एक क्लिप डाला था विथ दीज केक्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मुझे इतने सारे DMs आए कि दीदी आप ब्लेस्ट्रो कैफे में हो. एंड आई एम लाइक इन लोगों को कैसे पता हो. यू गाइज नो मोर देन मी. मतलब यू गाइज नो मोर अबाउट कोरिया देन मी. मुझे ऐसा लगता है. आई ऑर्डर्ड फॉर माई सेल्फ अ लाटे एंड तिरामिसू. बोथ वेर डिलीशियस. आई इंजॉयड इट थॉरली एंड आई इंजॉयड द सन. तो मैं बहुत ही क्यूट कैफे में हूँ एंड मैंने सोचा यूट्यूब के लिए मैं ये कुछ क्लिप्स ले लूँ आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि कितना क्यूट कैफे है यहाँ पे. एंड अभी सारे लाइट्स ऑन हो गए हैं
अभी अंधेरा हो चुका है, सनसेट हो चुका है, तो इट्स लुकिंग वेरी मच डिफरेंट राइट नाउ. एंड मैं सारी क्लिप्स पुट करने वाली हूँ. इट्स रियली क्यूट, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. एंड सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड इन्जॉय द क्लिप्स. बहुत ही प्यारा कैफे है और कॉफ़ी एंड केक्स तो बहुत टेस्टी है. सो मैं अभी होम प्लस आई हूँ. ये एक मार्ट है, यहाँ से कुछ खाने का सामान लेने, बिकॉज 9 ऑलरेडी बज चुका है एंड 9 के बाद मैं कहीं जाके बैठ के खाना नहीं खा सकती. सो लेट मी टेक सम फूड एंड मैं वो लेके घर जाऊँगी फॉर डिनर. दिस इज माई फेवरेट चीज़, बहुत टेस्टी होता है. यहाँ इतना ज़्यादा रेडीमेड खाना मिलता है, जस्ट इसको काटो और गरम करो और खा लो. आई डोंट नो हाउ मच हेल्दी इज दिस थिंग्स, शायद बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होता है. ये देखो, ये राइस के साथ होता है. बट एक्चुअली आई यूज़ टू ईट वन ऑफ दीज, जो राइस और चिकन मायो होता था. ठीक ठाक होता था टेस्ट में, बट फिर मैंने खाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे खाना पकाना आ गया. दैट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर. कोरिया में कितने टाइप्स के रामेन होते हैं. ये रामेन का सेक्शन है एंड यू कैन सी सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ. दिस इज वेरी फेमस फॉर, दिस इज द स्पाइसीस्ट रामेन. यू कैन सी द स्पाइसी लेवल. और ओ माई गॉड, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. सो आई लाइक दिस वन, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है. आई थिंक आई विल टेक चिकन फॉर मी. फ्राइड चिकन का एक यहाँ पे डब्बा आता है अराउंड 10,000 में एंड आई कैन ईट टू टाइम्स. सो लेट्स गो, चिकन लेते हैं. एंड मैंने काफ़ी ज़रूरत के सामान भी ले लिए, लाइक मिल्क एंड ब्रेड, जो कि लगता है एडल्टिंग के लिए. सो लेट्स गो. सो दिस इज माई कार्ट. चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें. ऑब्वियसली पोटैटो चिप्स हैं और अभी खाने के लिए मैंने चिकन, फ्राइड चिकन लिया है एकदम प्लेन वाला विदाउट एनी सॉस. एक मिल्क है, ब्रेड है जो कि डेली की चीज़ें हैं. दिस इज़ वन ऑफ द कोरियन स्नैक्स, अगर हो सके तो मैं दिखाऊँगी. एंड दैट्स अ पैकेट ऑफ पास्ता. एंड मेरा टोटल बिल हुआ 17,000 इज अराउंड ओवर 1,000 रुपीज. सो देख लो, ये 1,000 से ज़्यादा के चीज़ें हैं. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप आप लोगों को मेरे साथ शॉपिंग करते हुए मज़ा आया होगा. अगर आपको ऐसे वीडियोज़ का मज़ा आता है तो टेल मी. मुझे जब भी ऐसे कुछ घर के काम करना हो तो मैं ब्लॉग कर लूँगी. अगर नहीं मज़ा आता है तब भी बता देना, बिकॉज आई विल नो कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या देखना है. सो बाय बाय, सी यू सून ऑन माई नेक्स्ट वीडियो.